जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, राह में बैठे आँखें बिछाए, है तरसती दर्श को निगाहे, राह में राह में बैठी आँखें बिछाए, है तरसती दर्श को निगाहे, राह राह में बैठे आँखें बिछाए, है तरसती दर्श को निगाहे, राह में बैठे आँखें बिछाए, आज मुर्शिद हमारा
बिन तन्हा है। रो रही रूहे बाहे फैलाए है तरसती दर्श को निगाहे। रो रही रूह बाहे फैलाए है तरसती दर्श को निगाहे। राह में बैठे आँखें बिछाए है तरसती दर्श को निगाहे। राह में बैठे आँखें बिछाए है तरसती दर्श को निगाहे। है तरसती दर्श को निगाहे। है तरसती दर्श को निगाहे। जय गुरुदेव। जय। जब भाग्य जपता है तब जंजाल से इंसान मुक्त होकर के और सत्संग में आ पाता है, और सत्संग जब समझ में आ जाता है तब फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। कितने लोग सत्संग वचनों से सुधर गए, कितने लोगों के बिगड़े काम बन गए, तकलीफें दूर हो गई, दुख दूर हो गया, रहना खाना सोना एक दूसरे का विचार व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, जब ये चीजें समझ में आ गई, देवी देवताओं से किस तरह से क्या चीज लेना चाहिए या क्या दे सकते हैं, इसकी जानकारी जब हो गई तब आदमी दुखी नहीं रह गया। सत्संग महिमा है आज बारी, और पर कोई जीव मिले अधिकारी, अधिकारी इसको कहते हैं, यानी उस चीज का इच्छुक, इच्छा जगह उसके अंदर कि हमको सत्संग मिलना चाहिए, सत्संग से हमको सुख मिल सकता है, सत्संग से हमको प्रभु का दर्शन हो सकता है, प्रभु के गोद में हम बैठ करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, ऐसा अधिकारी हो जाए, इस ये ज्ञान पैदा हो जाए, उसके अंदर जानकारी पैदा हो जाए और सत्संग सुनाने का अधिकारी हो। जब सत्संग सुनाने का अधिकारी होता है तभी उसकी बातों का असर पड़ता है। दोनों का अधिकारी होना जरूरी है। सत्संग के वचनों को सुना करके और जिस तरह से मिश्री पानी में घुल जाती है, इसी तरह से जो ये पत्थर जैसा दिल हो रहा है, आध्यात्म की तरफ से परमात्मा की तरफ से कठोर हो रहा है, इधर आ नहीं रहा, मुड़ नहीं रहा है, वो भी खुल जाए। देखो प्रेमी, सत्संग जब कोई पावे, महिलाएं सब कटकट जावे, सत्संग जब लोगों को मिला गंदगी साफ हुई, सत्संग जल किसको कहते हैं? जैसे
कोई खेत है आपका अनाज का, अब उसमें आप जल प्रवाहित कर देते हो, सिंचाई कर देते हो, तो उसमें दाने पड़ जाते हैं, अन्न पैदा हो जाता है, खाते हो, शरीर को सुख मिलता है। तो इस तरह का ज्ञान तो बहुत लोग दे देते हैं। जैसे कोई खेती करना चाहता है, खेती करना नहीं चाहता, खेती करना जानता नहीं है, और किसी से पूछा तो उसने बता दिया कि इस तरह से खेती करो, पैदावार अच्छी हो, कोई आमदनी हो जाएगी तुमको, किसी से तुम घर भी बना सकते हो, कपड़ा भी खरीद सकते हो और अपना पेट पाल सकते हो, इस तरह खेती करो, तो इसको वो बता देंगे। अब मान लीजिए खेती में जरूरत है किसी चीज की, जैसे आजकल खाद पानी लोग लगाते हैं, भाई चार पानी लगाओगे तब ये फसल अच्छी होगी, दाने मजबूत होंगे, पौधा बढ़ेगा, इसकी जानकारी नहीं है तो एक पानी लगा दिया तो अन्न कम पैदा होगा, और कम पैदा होगा तो खेती करने से केवल उसका पेट भरेगा, कपड़ा फिर वो ठीक से नहीं पहन सकता है, घर नहीं बना सकता है, घूम टहल नहीं सकता है उसके कमाई से। लेकिन कोई ऐसा मिल गया कि जिसने कहा कि भाई ये फल की खेती करो, साग सब्जी उगाओ जो महंगा बिकता है, ये अनाज महंगा बिकता है, इसको उगाओ, इस तरह सिंचाई करो, तो उसको ज़्यादा लाभ मिलने लग जाता है। तो ऐसे तो जगह जगह पर लोग प्रवचन करते रहते हैं, सत्संग सुनाते रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक उसी तरह से पड़ता है कि जैसे कोई खेती करना सीख जाए लेकिन आमदनी ज़्यादा उसमें न कर पावे, ऐसे ही समझो आपकी सत्संग का असर तो पड़ता है। मोटे तौर से आपको बताऊं कि पूरा फल इसलिए नहीं मिलता है कि जैसे पत्थर को पानी में डाल दो तो पत्थर पानी में भीगा रहेगा, पानी पत्थर को घुला नहीं पाएगा, लेकिन चीनी बताशा ये इलायची दाना रेवड़ी जिसको कहते हो, इसको डाल दो पानी में तो पानी इसको घोल देगा। इस ये अधिकारी का मतलब क्या हुआ? वो जो जल है वो उसको घोल लेता है। कौन सा जल? जो अधिकारी होते हैं वो जो सत्संग की वर्षा करते हैं उसमें ये घुल जाता है। कठोर से कठोर हृदय वाला आदमी, पत्थर जैसा दिल वाला आदमी भी जब बराबर सत्संग सुनता रहा तो सत्संग वचनों का प्रभाव पड़ा, और जब प्रभाव पड़ा तब जगत जाल से धीरे धीरे संतोष उसको होने लग गया, यानी धीरे धीरे जगत जाल से अलग होने लग गया। कहा गया ना, पहला अन्य समझो कि जाल हृदय जाल है, कई तरह के जाल हैं, हृदय जाल है, इंद्रिय जाल है, और आप समझो माया का जाल है, काल का जाल है, ये सब जाल हैं। इन लोगों ने सब जाल बिछा रखा है, और जाल में जब कोई फंस जाता है तो जल्दी निकल पाना मुश्किल होता है। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, जैसे आप समझो कि पक्षी जाल में फंस जाते हैं, देखो बंदर जाल में फंस जाता है लोभ और ललच में। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? पतले मुंह का घड़ा बनाते हैं और उसमें चना डाल देते हैं, बिखेर दिया, जहाँ बंदर रहता है वहीं पर घड़ा रख करके चना बिखेर देते हैं, बंदर फिर हट जाते हैं। बंदर देखता है चना पड़ा हुआ है तो उतर करके पेड़ से आता है, चना खाता है, और फिर घड़े के अंदर देखता है उसके अंदर भी चना रखा हुआ है तो हाथ उसमें डाल देता है, चना को मुट्ठी में ले लेता है।
निकालने की करता है कोशिश खाने के वास्ते। तो हाथ डाला था जब तो पतला था और मुट्ठी में चना आ गया तो निकलता नहीं है, दर्द करता है निकालते समय। उसे घर छोड़ते समय इस समय जैसे इंद्रियों के भोग में सुख में मस्त हो गए तो वो लोग कहीं घर छोड़ पाते हैं? वो तो कहते तकलीफ होगी, जाएंगे खाएंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, कैसे क्या होगा, तरह तरह का मन का आगे पीछे होता रहता है। तो बंदर निकालने की करता है कोशिश लेकिन हाथ निकलता नहीं, क्यों? क्योंकि मुट्ठी में चना रहता है, चना छोड़ दे तो हाथ निकला। तो जो शिकारी होता है, बंदर पकड़ने वाला होता है, वो जाल को डाल देता है। अब जाल डाल दिया तो बंदर पकड़ में आ गया। ऐसे ही यानी ये जाल है, हृदय जाल इसको कहा जाता है। हृदय से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। किस चीज की इच्छा उत्पन्न होती है? अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा घर बनाने की, अच्छा जेवर गहना पहनने की, यानी मान सम्मान इज्जत ज्यादा से ज्यादा मिले, इसकी इच्छा पैदा होती। और इस इच्छा कि कोई सीमा नहीं है, यह कहा नहीं जा सकता है कि दो ही चार आना इच्छा रह जाएगी, आठ आना, दस आना, बारह आना, सोलह आना भी इच्छा बढ़ जाती है। आदमी की इच्छा बढ़ती चली जाती है। कहा गया इच्छाएं अनंत हैं। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत न हो। मोटे तौर से आपको बताऊं, जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो इच्छाएं अनंत हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी तरह तरह का उपाय करता है। मोटे तौर से आपको बताऊं मैं कि जैसे कोई एक दुकान खोलता है, आमदनी होने लगी, लालच बढ़ा, दूसरा खोल दिया, तीसरा खोल दिया, अकेला आदमी नौकरों के ऊपर छोड़ देता है, पता चलता है कुछ दिन के बाद कि आमदनी के बाद नुकसान हो गया। एक गाड़ी है, चार गाड़ी कर लिया, चल रही है, रात को 12 बजे टेलीफोन आया, गाड़ी लड़ गई, पलट गई, भगा लेकर के कार अपना गया, देखा वहाँ कहाँ है क्या है पता लगाया, तो सुख के लिए आदमी करता है लेकिन वही चीज फिर बाद में दुख में बदल जाता है। लेकिन ये इच्छा का अंत होता ही नहीं है, अब इच्छा किसी की पूरी होती ही नहीं है। तो अब इस इच्छा की पूर्ति में आदमी लगा हुआ है, उस जाल में फंसा है, तो कहाँ से उसके संस्कार बने, कहाँ से भाग्य बनेंगे? उसी की इच्छा की पूर्ति के लिए आदमी पाप कर डालता है, उससे क्या होता है, इंद्रिय के जाल में फंस जाता है। इंद्रिय किसको कहते हैं? जैसे ये देखना है, आप ये समझो सुनना, आप ये समझो कि खाना, और ये नीचे का जो अंग है इसका प्रयोग करना है, तो ये सब ये इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां यानी समझो कि भोग योनि है, ये भोग इंद्रियां हैं ये, तो इन भोगों में वो फंस जाता है। मोटे तौर से समझो कि जैसे कोई चीज किसी को भा गई, देखने में अच्छा लगने लगा, चाहे कोई फूल हो, पत्ती हो, बगीचा हो, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, झरना हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, तो उसी को देखता रहेगा, उसी के देखने की आदत बन जाएगी। छोटे छोटे बच्चे देखो, मोबाइल देखने की आदत में पड़ गए, छोटे छोटे बच्चे देखो मोबाइल में गेम खेलने लग गए, अब वो कुछ सुनते नहीं हैं। यहाँ तक का देखो खबर आई, किसी बच्चे को माँ ने डांटा, अब बच्चे ने ही माँ को मार डाला। आप ये समझो रिश्ता को समझ नहीं पाया किस में, उसी देखने के भोग में, सुनने का गाना सुना, समझो कोई बात
इसको पसंद आ गई, सुनने वाली बार बार पूछेगा, बार बार अनि समझो जाएगा, तो अनि उसके पास जाएगा, तो ये क्या है? ये अनि एक तरह से भोग है, इंद्रिय भोग है। अब इसी इंद्रिय, दस इंद्रिय का भोग, दस इंद्रियां हैं, दस इंद्रिय का भोग, तेरे परी गले की फांस, ये गले की फांस हो गई। तो फांस निकलेगी जब, तब तो आदमी घर छोड़ पाएगा, तब तो सत्संग में आएगा, तब तो सत्संग सुनेगा, तब तो सत्संग, जब सत्संग सुनेगा तब सत्संग की महिमा का पता चलेगा, तभी तो सत्संग का वो अधिकारी बनेगा सुनने का। तो आप ये समझो, जब कोई अधिकारी मिल जाता है सत्संग सुनने का, तब सत्संग जल जब कोई पावे, मैला यू सब कटकट आवे, जो भी गंदगी होती है, चाहे बाहर की गंदगी हो चाहे अंदर की गंदगी हो कर्मों की, वो साफ होती है। और जब साफ होती है तब आप ये समझो कि अपना काम बनता है। कौन सा काम? इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए मिला कि भाई रहते रहते इसके सांसों की पूंजी के रहते रहते इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, इसको जन्म मरण से छुटकारा दिला दिया जाए। इसलिए मनुष्य शरीर मिला कि मौत के समय जो पीड़ा होती है, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारती हैं एक साथ दर्द होता है बदन में, ऐसे ही मरते समय दर्द होता है। तो वो दर्द न झेलना पड़े, वो तकलीफ न झेलनी पड़े, इसलिए वो काम क्यों न कर लिया जाए कि रोज मरना रोज जीना का आदत बन जाए। तो अब यह संभव कैसे होगा इस समय पर, इस कलिकाल में कैसे संभव होगा? यह कलिकाल न साधन दूजा कहा गया, ये कोई और कलिकाल में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है सिवाय नाम की कमाई के, सिवाय गुरु की पहचान के, गुरु के शरण के, गुरु की दया लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब यह समझो कि योग और भोग ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? इनमें बहुत ही समझो कि विरोधाभास है, इतना अंतर है कि जैसे जमीन और आसमान का अंतर होता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा का अंतर होता है, दोनों नहीं मिलते हैं, जैसे धरती और आसमान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इतना अंतर है। लेकिन जब सत्संग मिल जाता है और सत्संग से जानकारी हो जाती है, जब सत्संग के अधिकारी संत मिल जाते हैं और जब जानकारी हो जाती है, तब आदमी रहता इसी मनुष्य शरीर में है, लेकिन इंद्रियों के भोग में नहीं फंसता है, लोभ लालच उसका अनिवृतना नहीं रह जाता है, वो धीरे धीरे इस जाल से मुक्त होने लग जाता है। राजा लोग बड़े धार्मिक हुआ करते थे, तो जनता को अच्छी बातें सुनवाते थे, क्योंकि जनता महात्माओं के पास पहुंच नहीं पाती थी। एक जगह महात्मा को अगर बुला लिया, उपदेश करने वाले को बुला लिया, व्यवस्था करा दिया, तो बहुत से लोगों को लाभ मिल जाता। देखो प्रेमियों, यहाँ व्यवस्था बनाई गई, ये आश्रम बनाया गया, बैठने की आपकी जगह बनाई गई, तब तो आप यहाँ पर आ पाए। ऐसे ही जगह बनाते थे। आज भी देखो सत्संग भवन बनता है, यहाँ सत्संग होता रहता है, लोग आते रहते हैं। तो उस समय पर इसी तरह की व्यवस्था राजा लोग करते थे, प्रजा को सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से तुम सुखी रहोगे। यह आपदा बहुत बड़ा जेल है, जिसमें वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बड़े बड़े लोग वहां बंद थे। तो एक समय ऐसा था, आया था, इमरजेंसी आई थी, उसमें गुरु महाराज को भी जाना पड़ा था, हम लोग भी उसमें जेल गए थे। तो जेल के बारे में तो मालूम था, जेल में कैसे क्या रहता,
वहां भी अपने अपना सा अपने लोगों का सत्संग चलता था, ध्यान भजन चलता था, भंडारा भी होता था, नामधनी भी हम लोग करते थे क्योंकि भारी संख्या में थे, 150-200 आदमी के लगभग थे। तो यावड़ा जेल में हमारा कार्यक्रम कराया था वहां के प्रेमियों ने परमिशन लेकर के, तो अधिकारी थे, उन्होंने परमिशन दे दिया था, सत्संग हुआ और वहाँ नामदान भी हुआ था। मेरा ख्याल 4-5 साल हो गया होगा, 4-5 साल पहले। तो वो अधिकारी ने बताया, जब सत्संग करके आए, बाहर आए, अपने बंगले पर ले गए, तो उन्होंने बताया कार इस तरह का कार्यक्रम हम खुद भी करते रहते हैं, इनको इकट्ठा करके सुनाते रहते हैं। तो जब इनको सुनाते समझाते रहते हैं तब ये उत्पात नहीं करते, नहीं तो यहाँ भी अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। अब जैसे किसी की गाली देने की आदत बन जाए तो सबको गाली देता है, अपने लड़के को गाली देने लगते हैं, गाली देने की जिनकी आदत बन जाती है, अपनी औरत को गाली देने लग जाते हैं जब आदत बन जाती है, ऐसे ही कोई काम की आदत बन जाए तब वो ये नहीं देखता है। चोरी की आदत बन गई तो घर में ही चुरा लेगा, रिश्तेदार को नहीं बख्शेगा, खानदान वालों को नहीं बख्शेगा, परिवार वालों को नहीं बख्शेगा। व्यभिचार की आदत बन गई तो उसकी हबिश पूरी होनी चाहिए, चाहे घर का आदमी हो, चाहे पराया हो, चाहे अपना हो, कोई ज्ञान नहीं रह जाता उसको। ऐसे ही जिनकी आदत बिगड़ गई और वहाँ भी गए तो वो उस बार कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन जैसे ये जो सत्संग की बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, ये आग कहीं जल रही हो और उस पर पानी डाल दो तो आग अगर बुझा भी नहीं, थोड़ा बहुत भी पानी पड़ गया, तो आग की जो गति होती है, जलने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है, आग जलने में कमजोर पड़ जाती है। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है, अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। ये समझो ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो के बताने लगेंगे तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से, लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है, प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए, छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते, कैसी शक्ति, भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई, और नहीं तो होलिका जला डालती इनको, खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।